तो क्या हो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और हर कंट्री अपने अपने न्यूक लॉन्च कर दे तो लगभग हम सबका चिकन टिक्का बन जाएगा। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जब एक पैरेलल यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 3 हुई थी और न्यूक भी गिरे थे पर फिर भी किसी इंसान को कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो स्किप करने की जगह शांति से बैठो और इस एंटरटेनमेंट का मजा लो जो जल्द ही रियलिटी भी बन सकता है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद माइक्रोचिप्स की इन्वेंशन नहीं हुई। आजकल हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें माइक्रोचिप है। पर इस पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने एनर्जी के लिए फ्यूजन कोर्स का यूज करना चालू कर दिया। फ्यूजन एनर्जी जो उन्हें न्यूक से मिली, रोबोट्स पर काम चलने लगा पर जो कल्चर था वो 1950s में ही रुक गया। पर फिर 2020 में पैदा हुआ रॉबर्ट हाउस, एक जीनियस जिसने रॉबको नाम की कंपनी खोली। वो मिलिट्री के लिए आर्मर्स बनाने लगा जिसे तुम आयरन मैन के फर्स्ट आर्मर से कंपेयर कर सकते हो। और उसने एक गैजेट बनाया जिसे तुम स्मार्टफोन भी बोल सकते हो। अब क्योंकि इस यूनिवर्स में माइक्रोचिप्स नहीं होती थी तो ये स्मार्टफोन बहुत बड़ा था जिसे हाथ में बांधना होता था और इसकी स्क्रीन में कलर्स भी नहीं थे। पर 2052 तक एक नई वर्ल्ड वार शुरू हो गई और इस बार रिसोर्सेस के लिए हुई है क्योंकि दुनिया से खाना, पानी और इवन पावर भी खत्म हो रही थी, जो तुम रियल लाइफ में भी होते हुए देख ही सकते हो। तो हर कंट्री आपस में लड़ने लग गई रिसोर्सेस के लिए। तो अमेरिका को लगा कि अब हम इस वार को टाल तो नहीं सकते, तो उन्होंने हायर किया वॉल्टेक को, एक कंपनी जो न्यूक से बचने के लिए जमीन के नीचे सेफ हाउसेस बनाती थी। पर वॉल्टेक का अपना ही कुछ प्लान था तो उसने रॉब को जैसी कई बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया। उन्होंने पूरे अमेरिका में 122 वॉल्ट्स बनाई और हर वॉल्ट ऑलमोस्ट 1000 लोगों को घर कर सकती थी। पर इन अमीरों का कुछ और ही प्लान था। ये वॉल्ट्स कभी लोगों को न्यूक से बचाने के लिए थी ही नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए थी। जैसे वॉल्ट 68 में 999 आदमी और बस एक औरत को रखा था, या वॉल्ट 69 में 999 औरतें और बस एक आदमी को रखा था, वॉल्ट 87 में जानबूझकर वायरस डाल देना, किसी वॉल्ट में पेरेंट्स को मार के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना वगैरह वगैरह। बेसिकली हर वॉल्ट बस एक एक्सपेरिमेंट थी। तो इन कंपनियों की इन्फ्लुएंस और वार के चलते 23 अक्टूबर 2017 को 2 घंटे तक लगातार वॉर चली। दुनिया के हर कोने में न्यूक्स गिरे और ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए और जो बच गए वो मारे गए एसिड रेन से, जो न्यूक्स के बाद आई। लेकिन नेचर अपने आप को कंडीशंस के चलते ढाल ही लेता है। इस तबाही से नया नेचर पैदा हुआ जहां जो लोग न्यूक्स को सरवाइव कर गए वो रेडिएशंस के चलते घोल बन गए। घोल जो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं पर वो जंगली ज़ॉम्बीज भी बन जाते अगर उन्होंने खुद को कंट्रोल में नहीं रखा होता तो। और इसके असर से जानवर भी नहीं बचे, जहां कुछ चमगादड़ों के विकृत हो जाने से एक नया वायरस फैल गया जिसने इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया, या फिर दूसरे जानवर जिनके एक्स्ट्रा सर उग गए, मतलब दुनिया के लंगर लग चुके थे। पर वहीं बन गए बहुत सारे अलग अलग इलाके क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो वो बाउंड्रीज बनाएंगे ही। तो पहली बाउंड्री जिससे हम मिलते हैं वो है एक चर्च और एक सुपर म्यूटेंट जिसका नाम दी मास्टर है। उसका प्लान है कि हर इंसान को जो इन वॉल्ट्स में जिंदा बच गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के चलते भी कई वॉल्ट्स आराम से काम कर रही थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से जीना सीख लिया था। तो ये मास्टर बंदा बस उन इंसानों को सुपर म्यूटेंट्स में बदलना चाहता था जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, पर एक वॉल्ट से बाहर आया बंदा उसको बॉम्ब से उड़ा देता है। दूसरा हम मिलते हैं सैडी सैंड से, एक इलाका जहां जो भी न्यूक के सर्वाइवर्स थे उन्होंने अपना एक छोटा सा शहर बना लिया था और इस वेस्ट लैंड में ट्राई कर रहे थे सर्वाइव करने का। पर अगले 100-200 सालों में ये जगह ओवर पॉपुलेट होने लगी और एक गलती की वजह से वॉल्टेक के एक बंदे ने इसको भी बॉम्ब से उड़ा दिया। उसके अलावा है एंक्लेव, जो भी अमेरिका की मिलिट्री के लोग बच गए थे उनकी और साइंटिस्ट की टीम, जिनका सीधा सा मिशन था कि जो चीज हमारी है वो तो हमारी है ही और जो चीज दूसरों की है वो भी हमारी ही है। और इस यूनिवर्स में ये लोग अभी भी जिंदा हैं और अभी भी दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हैं। और फिर आते हैं ब्रदरहुड ऑफ स्टील, ये कल्ट की तरह है पर इनका भगवान बस टेक्नोलॉजी है। इनको लगता है कि ये दुनिया बचा रहे हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं, पर असल में ये वर्ल्ड से आजाद हुए पहले ही थे, जो अब बस अपनी उड़ने वाली सिप से वेस्टलैंड के ऊपर उड़ते फिरते रहते हैं और लोगों की टेक्नोलॉजी चुराते रहते हैं। अगर वेस्टलैंड में कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी है तो ये इन्हें चाहिए ही होती है। इनके अलावा कई और छोटे छोटे ग्रुप्स भी और बन गए हैं। अब मैंने स्टार्ट में तुम्हें एक नाम बताया था कि एक रॉबर्ट हाउस नाम का आदमी था, वेल तो वो एक जीनियस निकला। उसने जब बॉम्ब्स गिरे तो उसने लॉस वेगस को बॉम्ब से बचा लिया और खुद वहां कब्जा कर लिया। और उसने वॉर से जस्ट पहले माइक्रोचिप का भी इन्वेंशन कर लिया जो इस यूनिवर्स में
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पावर की तरह थी। तो सब लोग इस न्यू वेगस पर अटैक करने लग गए और इसके चलते न्यू वेगस जो कि वेस्ट एंड में फलती फूलती जगह थी वो भी बर्बाद हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम वॉल्ट के अंदर रहो या वॉल्ट के बाहर रहो, तुम हमेशा खतरे में रहोगे, क्योंकि ह्यूमंस कभी मिलकर काम कर ही नहीं सकते। और अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होती है तो ना तो हमारे पास वॉल्ट है और ना ही बचने का कोई तरीका। तो या तो हम भी चिकन टिक्का बन जाएंगे या फिर कैसे भी करके अगर हम बच भी गए तो हमें भी हर दिन ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा। अब जिस यूनिवर्स की कहानी तुम्हें मैं ऊपर सुना रहा था वो है फॉल आउट का यूनिवर्स। जी हाँ, जिसपे अमेजोन ने अभी शो बनाया। तो बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन के साथ तुम शो देख सकते हो और तुम्हें गेम खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो सारे इवेंट्स मैंने तुम्हें बताए, फॉल आउट शो जस्ट इनके बाद टेक प्लेस करता है साल 2296 में। तो बस ये इन्फो लो और शो देखो, बिकॉज ये बेस्ट शोज में से एक है। बाकी अगर तुम्हें सारे गेम्स की कहानी जाननी है तो फॉल आउट कॉमेंट कर देना, या फिर इस वीडियो से कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ लेना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बाकी तुम बताओगे क्या वर्ल्ड इस टाइम पे न्यूक्लियर वॉर सरवाइव कर सकता है और क्या तुम वॉल्ट में रहना पसंद करोगे या वेस्टलैंड में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक भी जरूर कर देना क्योंकि चैनल के लगे पड़े हैं, वरना एक दिन मैं भी गायब हो जाऊंगा। ओके ओके।